Happy New Year, Dheeraj ji. और जैसा कि आप सबको बताया कि हम लोग का टारगेट है 26 जनवरी तक 5000 सब्सक्राइबर्स का. तो इसमें भी 25 दिन बचे हैं और हम लोग को 2500 प्लस हम लोग के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 2500 से थोड़ा कम सब्सक्राइबर चाहिए हैं. तो इस चीज के लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और साथ ही आप लोग भी इसमें थोड़ा सहयोग करें. और जैसा कि मैंने कम्युनिटी में आप सबसे एक पोल कराया था कि रीजनिंग के क्लासेस स्टार्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसमें काफी ज्यादा लोगों ने वोट किया और ये कहा कि रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होना चाहिए. तो इसीलिए आप सबके वोटिंग के आधार पर हम लोग ने ये डिसीजन लिया है कि रीजनिंग का क्लास स्टार्ट किया जाएगा और ये रीजनिंग का क्लास कल से स्टार्ट होगा और इसकी टाइमिंग होगी 8 से 9 बजे रात में. 7 से 8 मशीन, 8 से 9 रीजनिंग और 9 से 10 TG2 की जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाई जा रही है वो. तो लगातार 3 घंटे लाइव क्लासेस चलेंगी. तो आप सब लोग लगातार ऑनलाइन रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी ऑनलाइन आए. और ये RRB JEE के लिए और PG2 के लिए रीजनिंग और ALP जो होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा. तो जो जो लोग ये सब चीजों और UPPCL, तो जिस जिस लोगों ने ये सब फॉर्म भरे हैं, जिनका एग्जाम आने वाले हैं, तो वो लोग आने वाली लाइव क्लास को जरूर अटेंड करें क्योंकि वो रीजनिंग के क्लासेस आप लोग के लिए कल से चलाई जाएंगी. उसकी टाइमिंग होगी 8 PM से 9 PM और ये मंडे से फ्राइडे तक चलाई जाएगी. तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को याद करना है कि 8 से लेकर 9 बजे तक रीजनिंग के क्लासेस चलेंगी. इन एग्जाम को टारगेट किया जाएगा और इसके लिए आप लोग को प्रिपेयर कराया जाएगा. बाकी जैसी क्लासेस चल रही है वो क्लासेस रेगुलर चलेंगी. मंडे से फ्राइडे तक ये आपकी क्लास चलेगी और सैटरडे और संडे को आप लोग के बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि सर कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है, कंप्यूटर की और मैथ की, ये दो क्लासेस आपकी सैटरडे और संडे को चलाई जाएंगी. इनकी टाइमिंग भी 7 से 8 और 8 से 9 होगी. तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोग के लिए कि ये सब जो एग्जाम्स हैं इनको टारगेट करके रीजनिंग की क्लासेस चलाई जाएगी 8 से 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे और कंप्यूटर मैथ की क्लास चलेंगी सैटरडे संडे को 7 से 8 और 8 से 9 रात में. तो ये अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग मैसेज करके बता दीजिएगा कि रेगुलर ऑनलाइन रहें. तो चलिए हम लोग अब अपना स्टार्ट करते हैं मशीन. और जितने लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी मैसेज करिए और जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन. अब आइए देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है. अंकित जी हैप्पी न्यू ईयर. आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर अपना एक फ्लक्स बनाएगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इसके फ्लक्स को कहेंगे आर्मेचर फ्लक्स. और जो पोल्स होंगे वो अपने फ्लक्स बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, उसको कहेंगे मेन फील्ड फ्लक्स. ये आपका पोल्स की ओर से बन रहा है और ये आर्मेचर की ओर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके फ्लक्स को कहेंगे आर्मेचर फ्लक्स. और जो पोल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी
उसके जो फ्लक्स होगा उसको कहेंगे मेन फील्ड फ्लक्स। तो जब आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स आपस में इंटरैक्ट करता है, मींस आपस में रिएक्ट करता है, तो जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। सिंपल सा लैंग्वेज है कि द इंटरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स विद मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन, एक लाइन की डेफिनेशन। जब आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स आपस में रिएक्ट करता है तो आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो लेक्चर भी ले लेंगे जल्दी ही। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं जो जो ऑनलाइन आते जा रहे हैं। तो अब आइए इसको डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। ये आप मैंने आपको ओरली बताया कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, आर्मेचर का फ्लक्स और पोल का फ्लक्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो जो हमको रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है उसको क्या कहेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। तो ये आपको दिखाते हैं कैसे हो रहा है। ये आपका पोल, ये आपका पोल्स का फ्लक्स मींस मेन फील्ड फ्लक्स, ये आपका आर्मेचर, ये है आपका आर्मेचर, ये आपका पोल, और ये जो फ्लक्स है ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स। अब देखिए आर्मेचर जब अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो कैसे बनेगी। तो जो आर्मेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आपकी कुछ इस तरह बनेगी। तो ये है आपकी आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर फ्लक्स है ये। ये देखिए ये है आपका आर्मेचर फ्लक्स, ये है आपका मेन फील्ड फ्लक्स। अब देखिए जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए तो ये देखिए ये आपको कुछ ऐसे आ रहा था, और ये जो आर्मेचर था ये आपको कुछ ऐसे था, आर्मेचर का फ्लक्स। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मेन फील्ड फ्लक्स है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। किस तरफ शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरह बनेगा। ये देखिए ये देखिए जो हमारा रिजल्ट जो रिजल्टेंट फ्लक्स आया वो हमारा कुछ इस टाइप का है। तो इस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, आर्मेचर रिएक्शन। ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है।
तो ये चीज जो हो रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को हम लोग कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन। तो आप सबको ये समझ में आ गया? तो ये देखिए, ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स और ये जो टोटल हमारा जो रिएक्शन हुई इसको क्या कहेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। क्या कैसे हुआ फिर से देख लीजिए, आर्मेचर का अपना फ्लक्स था और पोल्स का अपना फ्लक्स था, तो उससे क्या हुआ, पोल्स ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स आर्मेचर की साइड भेजा और आर्मेचर का फ्लक्स जो था वो अपने इस तरीके से घूम रहा था। अब क्या हुआ, जब दोनों आपस में रिएक्ट किए तो जो हमको रिजल्ट मिला वो थोड़ा सा शिफ्टेड राइट साइड मिला, इसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल फ्लक्स जो होगा वो राइट साइड हल्का सा मूव कर जाएगा। इस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। तो ये आप सबको समझ में आ गया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए कुछ जो हमारा पार्ट्स है जिसके कंडक्टर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से बच जा रहे हैं, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस कम होगा, इसीलिए कहते हैं ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, लॉसेज होते हैं, एनर्जी लॉस होता है। इसलिए जो आर्मेचर रिएक्शन है ये एनर्जी लॉस का कारण होता है और ये बहुत ही अच्छी चीज नहीं होती है हमारी जनरेटर के लिए, तो इसीलिए इस चीज को हम लोग को कम करना पड़ता है। अब ये कैसे कम होगी ये हम आगे बताएंगे, पहले आप लोगों ने ये देख लिया, सबको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगले टॉपिक की ओर। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, तो वो एक्सिस जो कि मैग्नेटिक पोल्स की जो सेंटर को बी से हाफ डिवाइड करती है उसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये देखिए कुछ इस तरह इसका डायग्राम बनेगा, ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका जो सेंटर लाइन है नॉर्थ पोल साउथ पोल की उसको ये बी से एकदम डिवाइड कर रही है, क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। वो एक्सिस वो लाइन जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो सेंटर लाइन है उसको बीच से डिवाइड करती है उसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसी तरह एक होता है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये आपको समझ में आ गया। आप लोग जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में याद करिए क्योंकि पेपर में मोस्टली इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो एकदम शुद्ध हिंदी आप लोग ना पढ़े, मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है कि वो एक्सिस वो लाइन जो कि मैग्नेटिक पोल्स की सेंटर लाइन को बीच से डिवाइड करती है वो होगी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब अगला अगला आपका
मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अब ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है वो लाइन जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को 90 डिग्री से कट करती है वो क्या होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये देखिए कैसे बनती है यह है आपकी मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स अब इसको जो एकदम 90 डिग्री से कट करेगी वो क्या कहलाएगी आपकी वो आपकी कहलाएगी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मैग्नेटिक फ्लक्स को जो 90 डिग्री से कट करेगी लाइन वो आपकी क्या कहलाएगी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जो दो पोल्स की सेंटर लाइन को बीच से कट करेगी उसको क्या कहेंगे ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को अच्छे से याद करनी है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस सबको समझ में आ गया सबको आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब आइए आपको बताते हैं कि जब आर्मेचर आर्मेचर पर लोड डाला जाएगा तब आर्मेचर रिएक्शन क्या कैसे रहेगी सबसे पहले देखते हैं आर्मेचर ऑन नो लोड जब आर्मेचर पर कोई लोड नहीं लगाया हुआ है तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस कैसी रहेगी तो ये देखिए इसमें क्या होगा ये MNA भी होगी और यही GNA होगी मींस जब नो लोड कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब नो लोड कंडीशन है जनरेटर की तो MNA और GNA दोनों सेम होगी और MNA कोइंसाइड GNA होगी means MNA GNA में मिल जाएगी तो ये है आपका नो लोड कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन कैसे होगी जी हाँ क्लास का टाइम यही है 7 से 8 और कल से रेगुलर रहिए कल से 8 से 9 के बीच में रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आरआरबी जेई के लिए और बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें तो ये आर्मेचर रिएक्शन ऑन नो लोड अब देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन जब लोड लगाएंगे तब कैसे होगी
अब क्या होगा कि ये जो आर्मेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसकी वजह से हमारा जीएनए तो यही जाएगा, लेकिन ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। इसकी वजह से नॉर्थ पोल को दूसरी ओर पीछे की ओर ढकेलेगा और हमारा ये जो एंगल है ये चेंज हो जाएगा और जो हमारा एमएनए कुछ इस तरह ऐसे एंगल पे बनेगा। तो एमएनए जो बनेगा वो थीटा डिग्री एंगल पे बनेगा। जैसे ही लोड लगाएंगे हमारा जीएनए तो अपनी पोजीशन पर रहेगा, लेकिन एमएनए चेंज हो जाएगा। एमएनए कितने डिग्री में चेंज हो जाएगा? थीटा डिग्री से चेंज हो जाएगा। जैसे ही लोड लगेगा हमारा आर्मेचर रिएक्शन में जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस सेम रहेगी, बट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस थीटा डिग्री से चेंज हो जाएगी। फिर जैसे ही वैल्यू चेंज होगी, अब जैसे ये हुआ तो उसके बाद ये किस दिशा में बन गया, ये देखिए, अब हमारा आर्मेचर कुछ इस पोजीशन में आ गया। पहले पोजीशन क्या थी? ऐसे थी। फिर जैसे हमने लोड लगाया तो एंगल थीटा डिग्री चेंज हो गया और आर्मेचर कुछ इस पोजीशन में आ गया। फिर जैसे ही लोड चेंज होगा और फिर से वो डायरेक्शन चेंज करेगा और वापस से ऐसे ही घूमता रहेगा इस साइड। ये रोटेशन आपका रेगुलर होता रहेगा। तो ये था आपका आर्मेचर रिएक्शन ऑन लोड। अब आइए आपको बताते हैं आर्मेचर रिएक्शन कितने टाइप की होती है। MNA की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, GNA की फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब आइए आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन कितने टाइप की होती है? पहली होती है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, आर्मेचर रिएक्शन। दूसरी होगी डीमैग्नेटाइजिंग, आर्मेचर रिएक्शन। ये दोनों आर्मेचर रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो पहले हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग पढ़ेंगे, फिर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आपको बताते हैं डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। वो आर्मेचर रिएक्शन जिसमें आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स के एकदम अपोजिट दिशा में आ जाता है, तो उस आर्मेचर रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अब ये देखिए कैसे है, ये आपका पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमारा आर्मेचर, और ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स। और जब आर्मेचर में खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आपकी करंट इसमें फ्लो होगी कि ये एकदम अपोजिट दिशा में आ जाएगा मेन फील्ड फ्लक्स के, आर्मेचर फ्लक्स जो होगा आर्मेचर फ्लक्स एकदम अपोजिट दिशा में आ जाएगा मेन फील्ड फ्लक्स के। तो जो रिएक्शन होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। और जब आर्मेचर फ्लक्स 90 डिग्री पे होगा मेन फील्ड फ्लक्स के तो उसको कहेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो ये था आपका डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कैसे होगा ये देख लीजिए।
ये देखिए इसमें ये आर्मेचर फ्लक्स जो है वो नीचे की ओर आएगा और मेन फील्ड फ्लक्स के 90 डिग्री पर रहेगा। ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इन दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं और उसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। ये न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, PG2 में भी आता है और JEE में भी आता है, इसीलिए दोनों कैंडिडेट्स इसको अच्छे से लगाएं। डीमैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला नोट कर लें, थीटा अपॉन 360 इंटू जेड आई। ये आपका डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का फॉर्मूला। और जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला है आपका वो है आपका 1/2P माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू जेड आई। यहाँ पर आपका जेड जो है वो नंबर ऑफ कंडक्टर है मतलब चालक है, आई जो है करंट है, थीटा जो है वो एंगल है, पी जो है पोल्स है। तो ये आपका फॉर्मूला डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का, थीटा अपॉन 360 इनटू जेड आई, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का थीटा अपॉन 360 1/2P माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू जेड आई। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे पूछे जाते हैं कि थीटा अपॉन 360 इनटू जेड आई किसका फॉर्मूला है या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोगों ने इसको देख लिया, तो अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। तो आइए अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है चार पोल का जनरेटर है, 722 कंडक्टर है, पी बराबर 4 दिया है, 722 कंडक्टर्स हैं और जो करंट है आपकी वो 50 एम्पीयर है। और जो थीटा डिग्री जो एंगल है वो आपका 8 डिग्री है। अब आपको इसमें बताना है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डी मैग्नेटाइजिंग दोनों की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। डीमैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इनटू जेड आई। इसमें खाली वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला क्या था? वन अपॉन 2P माइनस थीटा अपॉन 360 ब्रैकेट क्लोज इनटू जेड आई। ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों में आप लोग वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। ये आर्मेचर रिएक्शन तब होगी जब हम लोग आर्मेचर को लोड डालेंगे आर्मेचर पर, मीन्स आर्मेचर का अपना जब फ्लक्स जनरेट होगा तो उसकी वजह से वो आपका मेन फील्ड फ्लक्स जो पोल्स का फ्लक्स है उसको अपोज करेगा,
तो इसकी वजह से जो हमारे रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसको कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स। तो ये दो तरीके का होता है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो इस पे माइकल बेस्ड है, वैल्यूज दी हुई है आपको, पी दिया है 4, जेड दिया है 722, आई दिया है 50, थीटा दिया है 8 और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग की वैल्यू आपको बतानी है। तो जो लोग ऑनलाइन आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और ये वैल्यूज आपको दी हुई है आप लोग सॉल्व करिए। एक मिनट है आप लोग के पास, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। जो जो आंसर निकाल पा रहा है तो निकाल ले, और जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं वो देख लेंगे। चलिए फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। थीटा दिया है 8 इंच 360, जेड दिया 722, आई हमारा दिया 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 802। तो आपका डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो आया ₹802/pole, ये आपका डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट सॉल्व होके आ गया। कैसे सॉल्व किया, खाली इसमें वैल्यू डाल दी, थीटा कौन 360 की जेड आई, थीटा था आपका 8, 360, जेड आपका दिया हुआ 722, आई दिया था 50। तो बस वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और जो लोग लाइव क्लास और आप लोग अगर अटेंड नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में इसको देख सकते हैं, इसको अपलोड कर दिया जाता है बाद में। 1/2p-θ/360 इंटू जेड आई, ये आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, p दिया है 4, माइनस थीटा दिया है 8, 360, i दिया 50। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 3710। तो ये आपका आ गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। कैसे किया, खाली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वाले फॉर्मूले में वैल्यूज रख दिया, फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3710 एम्पीयर टर्न पर पोल। सबको समझ में आ गया। और अगर इसमें से कोई ऐसा है जिसने इससे पहले की लाइव क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वो बाद में लाइव क्लास पूरा देख सकता है एक एक करके। और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, काफी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं लाइव क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कवर हो चुका है, पावर प्लांट कवर हो चुका है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल के अच्छे खासे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। और मशीन चल रही है, मशीन में भी डीसी जनरेटर चल रहा है। तो अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको भी देखिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका Z दिया हुआ है 492, थीटा दिया है 10, I
आई आपके दिया 153 एम्पीयर, तो आपको पी दिया 4, तो आपको इसमें बताना है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या आएगा। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग का कंपोनेंट क्या आएगा। फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूं, डीमैग्नेटाइजिंग फॉर्मूला होता है थीटा 1360 इनटू जेड आई, क्रॉस का फॉर्मूला होगा 1/2p माइनस थीटा 1360 इनटू जेड आई। ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए। जल्दी जल्दी करिए, अभी काफी टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, वैल्यूज ऊपर लिखी हैं, आप लोग आंसर लाइए जल्दी जल्दी, 5 मिनट आपके पास। आंसर सॉल्व करिए इसका और आंसर बताइए कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 2193 एम्पीयर टर्न पर पोल। आपका डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का आंसर आया 2193 एम्पीयर टर्न पर पोल। मीनू जी का बहुत सही आंसर आया 2191। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला आप लोग लिखा हुआ है, वैल्यू निकालिए। वन अपॉन टू पी माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू जेड आई, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पी आपको दिया है 4, थीटा दिया 10, 360, 492, आई आपकी दिया 153। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आर्मेचर रिएक्शन जो है ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, इससे हमारे लॉसेस होते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अब इसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है।
कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम करती है कि जो आर्मेचर फ्लक्स होगा और जो मेन फील्ड फ्लक्स होगा दोनों की वैल्यूज को थोड़ा कम कर देगी, जिससे क्या होगा आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारे लॉसेज जो है थोड़े से कम हो जाएंगे, बहुत मिनिमम लॉसेज आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होगा। तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अक्सर पूछा जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या चीज यूज की जाएगी, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज की जाएगी। सबको समझ में आ गया? ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज। अब आइए थोड़ी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जनरेटर्स की जल्दी जल्दी। और अगर कोई नया सब्सक्राइबर आ रहा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और जो अगर नया जिसकी फर्स्ट क्लास है तो इसके बाद वो लाइन से सारी क्लासेस देख सकता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, और पावर प्लांट भी कवर हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पोर्शन कवर हो चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रिकल भी अच्छी खासी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो लाइन से आप सब देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें नॉर्मली दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, टू टाइप्स की होती है, एक होती है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, या इसको कहेंगे हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी होगी आपकी लोड कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी जनरेटर्स हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी वो दो टाइप की होंगी, या तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो आइए आपको बताते हैं क्या करते हैं कि कौन से जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक बन के आ जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि किस जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है ये। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड, जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कुछ इस तरह बनेगी। किसके किसके बीच बन रही है, ईएमएफ नो लोड ईएमएफ या और फील्ड करंट और नो लोड वोल्टेज के बीच बन रही है, ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच बनेगी आपकी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली एक्साइटेड की। और लोड कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी इसकी, लोड कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगी वो वी और आईएल के बीच बनेगी। ये आपका आइडियल वैल्यू, ये आपका ईजी जो कि जनरेट हो रहा है, और उसूलन तो इसको ऐसे बनना चाहिए था कोई लॉस ना हो, लेकिन क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन हो रही है तो इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन लॉसेज होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक आपकी सेपरेटली एक्साइटेड की ई नॉट और आई एफ के बीच में बनेगी, फील्ड करंट और ईएमएफ के बीच में कुछ इस तरह बनेगी, और जो फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक रहेगी लोड कैरेक्टरिस्टिक वो वी और आई एफ के बीच बनेगी और इस तरह बनेगी, और इसमें आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगले जनरेटर की ओर। अगला जनरेटर है स्टेंड जनरेटर। इसकी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगी वो भी कुछ कुछ सेपरेटली एक्साइटेड की तरह ही बनेगी। E नॉट और IF के बीच, और जो लोड कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वो कुछ इस तरह रहेगी। यह बनेगी E नॉट, EG और IL के बीच लोड करें और वोल्टेज के बीच। तो ये आपकी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनेगी और फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनेगी। सबको समझ में आ गया? अब आइए आपको बताते हैं सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ड्रॉ भी करिए और याद करिए। सीरीज जनरेटर ये भी ये आई, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी कुछ इस तरह बनेगी। ये आपका E नॉट नो लोड, ये आपका V फुल लोड। यहां बीच में क्या है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। आइडियल जो बननी चाहिए वो इस तरह बननी चाहिए नो लोड पर, और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होने की वजह से फुल लोड पर कुछ इस तरह बनेगी कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक। सब लोग अच्छे से ड्रॉ करिए और इसको याद करिए। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायग्राम आपको दिया होता है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। जनरेटर आपको दिया रहेगा ईवी और आईएल, इस तरीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, पूछेगा कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक किस जनरेटर के लिए है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी जनरेटर की है। आपको सब आपको याद होना चाहिए तभी आप उसका सही आंसर लगा पाएंगे। ज्यादातर आपकी शंट और सीरीज की ही पूछी जाती है तो वही आप लोग ज्यादातर याद कर लीजिए अच्छे से, जिसके आप लोग गलत ना करें। जी हाँ, इसमें ये आपका नो नो लोड जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी और जो लोडेड होगी वो इस तरह बनेगी और इनके बीच में आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? क्या कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? अब आइए आपको बताते हैं कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है।
रेजिस्टेंस जो कि जनरेटर को ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करने के लिए चाहिए होता है और जिससे कम वैल्यू पर हमारा ईएमएफ जनरेट नहीं होता है वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका अक्सर पूछा जाता है कि ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसमें कौन सा रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग मानते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका आंसर होगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जिसके बिना हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, जनरेटर हमारा एक्साइट नहीं होगा, तो वो आपका होगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस। और बिलो क्रिटिकल रेजिस्टेंस हमारा ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। गलत लिख दिया, सॉरी, ईएमएफ जो जनरेट होगा वो अबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा। ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमारा जो फील्ड रेजिस्टेंस होगा वो अबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर बिलो होगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ये था आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस। और क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, वो स्पीड जिस पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है और जिससे कम स्पीड पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है वो आपकी क्या होगी, क्रिटिकल स्पीड। वो मिनिमम स्पीड जो हमको ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए चाहिए होती है वो आपकी क्रिटिकल स्पीड कहलाती है। क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, जैसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वैसे ही क्रिटिकल स्पीड होती है, वो स्पीड जो कि हमारी ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए चाहिए होती है आपकी क्रिटिकल स्पीड कहलाती है, और जिससे कम स्पीड पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, क्रिटिकल स्पीड से कम की स्पीड पर करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। वो मिनिमम स्पीड जो कि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए हमको चाहिए क्रिटिकल स्पीड कहलाएगी। आगे आप लोग को समझ में, अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, फॉर्मूला इसका खाली पूछा जाता है तो आप लोग खाली मोस्टली फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है जनरेटर का, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इनटू 100। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन में खाली आपसे फॉर्मूला ही पूछेगा, एक एमसीक्यू आएगा वोल्टेज रेगुलेशन का तो उसमें अलग अलग तरीके का फॉर्मूला दिया होगा तो आपको सही फॉर्मूला आपको बताना होगा। तो जनरेटर का फॉर्मूला होगा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। अब आइए लास्ट टॉपिक पढ़ के हम लोग डीसी जनरेटर का टॉपिक खत्म करते हैं। हमारा टॉपिक है नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। डीसी जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करना पड़ता है तो सबसे पहली चीज कि हमको पैरेलल ऑपरेशन क्या है, ये देखिए ये आपका प्लस माइनस डीसी जनरेटर है तो
ये दो जनरेटर मान लीजिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हमको पैरेलल ये जो कनेक्ट कर रहे हैं ये क्या है, पैरेलल ऑपरेशन है, पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों, तो इसको कहेंगे हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये जो दोनों जनरेटर है ये पैरेलली कनेक्टेड है, ऐसा क्यों करते हैं, पहली चीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, मीन्स अगर किसी एक जनरेटर में फॉल्ट आता है तो हमारी पूरी सप्लाई प्रभावित ना हो, इससे इसके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, पहला पॉइंट जो है कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। दूसरा क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब दक्षता, मींस अगर लोड हमारा काफी ज्यादा है और ऐसा होता है कभी कभी कि एक जनरेटर में ज्यादा लोड आ गया दूसरे में कम, तो इससे क्या होगा कि उस जनरेटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उसको एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ लोड हम लोग जनरेटर G1 का G2 भी दे देते हैं, जिससे ये दोनों अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पर चल सके, तो हमारा ये जो होगा वो जनरेटर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, इसलिए भी पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। अगला जो है वो मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, कि अगर हमको मेंटेनेंस करनी हो तो हमको पूरा शटडाउन ना करना पड़े, खाली एक जनरेटर को हम लोग सप्लाई कट कर दें और उसकी मेंटेनेंस कर सके, तो इसलिए भी पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। फिर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, प्लांट कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि अगर दो जनरेटर हमारे कनेक्टेड है हमको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो एक बार जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, G3 ये भी सप्लाई करने लगेगा लोड को, तो इस तरीके से क्या हो गया, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ गई। तो इस तरह से हम लोग ने पैरेलल ऑपरेशन का सही इस्तेमाल किया प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये सब आपको समझ में आ गया, तो ये लाइव क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट करिए, और ये डीसी जनरेटर का टॉपिक आज यही कंप्लीट होता है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए कवर कर दिया है, और जितना भी क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है वो सब मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जितने भी लोग आए हैं जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जितनी भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखिए, और लाइव क्लासेस रेगुलर चल रही हैं 7 से 8 आपकी मशीन की, और कल से आपकी 8 से 9 रीजनिंग की क्लास चलेगी, और 9 से 10 आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास चल रही है, तो उसमें भी आप लोग रेगुलर रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी लाइव क्लास को ज्वाइन करें, और आप लोग रेगुलर रहने की कोशिश करिए, और जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो जिसको नहीं देखी है जिसने वो देख सकता है, और जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं हुए वो आप उस वीडियो को देख के क्लियर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आसान तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझाई गई है, तो इसीलिए आप लोग रेगुलर रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए, और 26 जनवरी तक 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, उसके लिए भी सहयोग करें ताकि हम लोग का चैनल आसानी से जल्दी जल्दी ग्रो हो और आप लोग को अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके, और मिशन जो आप लोग का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं जो एग्जाम्स के, उस एग्जाम में आप लोग को सफलता दिलाई जा सके, इसलिए रेगुलर रहें और अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया वो हम लोग की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लाइव क्लासेस रेगुलर हो रही है उसको भी देख सकते हैं। तो ये जनरेटर टॉपिक यही कंप्लीट हो गया है, जिसको भी जनरेटर का पहले के कुछ आपको देखना है तो वो पहले की लाइव क्लास आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोग जनरेटर को फुल डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आज की लाइव क्लास यही समाप्त होती है, तो मिलते हैं अगली क्लास में 9:00 PM TG2। तब तक के लिए सबको गुड लक, अच्छे से ट्राई करिए, गुड नाइट।